नमस्कार, मैं संजय सनम, यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से स्वागत। स्क्रीन पर जो आप दृश्य देख रहे हैं वो श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से है। जैन मुनि धनंजय कुमार जी प्रातःकालीन गोचरी लेने के लिए पधार रहे हैं, यानी भिक्षा आहार की और अन्य वस्तुओं की जो आवश्यक होती है वो जैन मुनि जब लेते हैं तो इस तरह से न सर्दी गर्मी दोनों ही बड़े कष्टकर होते हैं, क्योंकि सीमित कपड़े होते हैं और उनकी अपनी आहार और गोचरी की जो व्यवस्था है उसमें भी बड़ी नियमावली होती है। धनंजय मुनि जी जो कि तेरा पंथ धर्म संघ में प्रबुद्ध संत के रूप में कहे जाते थे, लेकिन अब वो तेरा पंथ धर्म संघ में नहीं है, वो अकेले आचार्य भिक्षु की परिपाटी का निर्वाह कर रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ के श्रावक जिसमें कुछ जैन भी हैं कुछ अजैन भी हैं, और जैन जो तेरा पंथ के हैं वे चाह करके भी सामने आने से कतराते हैं और कुछ नहीं आते, क्योंकि एक बड़ी विडंबना है कि धर्म संघ से जो साधु बाहर निकल जाते हैं उनको टाड़ों कर के नाम से संबोधन दिया जाता है और फिर उनका उस तरह से सम्मान, उस तरह की मर्यादा का व्यवहार जो करना चाहिए वो नहीं किया जाता। ये सवाल भी बड़ा वाजिब है कि आचार्य भिक्षु ने भी तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कदम उठाया था, वो भी अपने धर्म संघ से निकले थे और उन्होंने बड़े कष्ट भी सहे थे। अंधेरी ओरी शमशान में रात्रि निवास, बहुत कष्टकारी जीवन आचार्य भिक्षु का रहा था, लेकिन उसके बाद भी आचार्य भिक्षु की परिपाटी में जो धर्म संघ चल रहा है वहाँ पर इस व्यवस्था में अब तक बदलाव नहीं हुआ है। ये उदारता होनी चाहिए, वो उदारता नहीं हुई है। ये सवाल है और इसके लिए बहुत सारे जो श्रावक हैं वो चाह करके भी किसी भी संत और मुनि के प्रति वो सम्मान ज्ञापित नहीं कर सकते जिसके वो संत मुनि अधिकारी होते हैं, और श्रावक चाहते भी हैं लेकिन उन्हें डर लगता है, भय लगता है कि कहीं उनकी बात समाज में इस रूप में चली जाएगी। और मुझे लगता है कि धनंजय मुनि जी को भी इस तरह का संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन संत किसी भी समस्या, किसी भी विकटता, किसी भी जटिलता से घबराते नहीं हैं, वो संघर्ष करते हैं और अपना प्रभाव जमाते हैं। और धनंजय मुनि जी सफल रहे हैं, इसलिए सफल रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ से जो भी हमारे पास खबरें आती है वो खबरें ये बताती है कि न सिर्फ जैन तेरापंथी बल्कि अजैन दूसरी बिरादरी के लोग धनंजय मुनि के बड़े प्रशंसक हैं, वो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और इसमें क्लिप में आप देखिए, ये जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य भी निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही है। मैं अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि यहाँ पर जब गोचरी ली जाती है तब वो आवाज़ जो है आप सुनिए, आप भी समझ जाएंगे। अजैन परिवार में संभवतया आए और कितनी मान मनुहार, कितने आदर के साथ धनंजय मुनि जी को आहार जो है वो प्रदान किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आवाज क्यों नहीं है। ना जल्दी कौन बना दी रहा अच्छा बना भैया भी तो नौकरी हूँ। कोई तकनीकी समस्या रही है, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिए अजैन परिवार में आए हैं और इस तरह से ये देखिए इतनी श्रद्धा और सम्मान के साथ
संभवतः जाट परिवार हो सकता है। राबड़ी दही और रोटी, और रोटी देखिए उतनी ही लेंगे। अकेले मिलने के लिए समस्या भी होती है, देने वाले इतने होते हैं, श्रद्धा से दान देने वाले, लेकिन मुनि की भी अपनी व्यवस्था होती है कि वो कितना ले और किस किस खा ले। और ये लोगों की शिकायत भी रहती होगी कि मुनि जी ने हमसे नहीं दिया। सीढ़ियाँ चढ़ करके सर्दी के मौसम में बड़ी, और राजस्थान की सर्दी बड़ा कष्टकारी ये होता है, लेकिन कष्टों से घबराए वो फिर संत कहाँ होते हैं। और देखिए बहुत सीमित कपड़ों में उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना होता है। ये दृश्य है, आवाज संभवतः नहीं आ रही है, कोई तकनीकी समस्या है। धनंजय मुनि जी जो बात कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, आपसी संवाद हो रहा है, वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है और इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, अन्यथा मैं चाहता था कि ओरिजिनलिटी आए। श्रीमान हीरालाल जी पुगलिया, श्रीमान मनोज जी दुकड़ जिसके माध्यम से ये क्लिप्स मेरे पास तक आई है, मैं इन दोनों का बड़ा आभार ज्ञापित करता हूँ। और निश्चित रूप से ये एक गर्व करने वाली बात है कि जैन अजैन दोनों परिवारों में धनंजय मुनि जी ने अपनी एक जो एक विशेष एक मिसाल बनाई है। लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ उनके प्रवचन सुनने के लिए भी आते हैं और उन्हें बार बार ये मनुहार भी करते हैं कि आप घर में पधारिए, गोचरी ग्रहण कीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अकेले मुनि के लिए बड़ी समस्या होती है और बहुत सोच समझ कर इन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का वेस्टेज नहीं कर सकते और जितना उपयोग में है उतना ही लेना होता है, उससे भी अधिक नहीं ले सकते। बड़ी कसौटी होती है संतों के लिए, मुनियों के लिए, और उसका निर्वाह करते हैं। तो ये डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से आई हुई क्लिप है। आप दृश्य देखिए, धनंजय कुमार जी भले ही कुछ लोग टालो कर भी कहना है वो कहते रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे निर्भीक भी हैं जो मुनि का, संत का सम्मान करना भी जानते हैं और वो खुलकर उनके साथ भी रहते हैं। यह बात सही भी है कि समाज में अगर ऐसी विसंगति, ऐसी कुरूति चली आ रही है तो उस पर विचार होना चाहिए, संत मुनि का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। बस आप ये तय कीजिए कि वो अनुपालना सही कर रहे हैं या नहीं। अगर अनुपालना सही कर रहे हैं तो फिर उनका सम्मान होना ही चाहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।